अब मैं तकरीर के लिए मौलाना मोहम्मद ख़ान बियाबानी फाजिले जामिया निज़ामिया को दावत देता हूँ कि वो आए और खिताब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहित तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमईन। फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ। صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم। وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله। याद आका में मगन है, जुल्मतों से दूर है। याद आका में मगन है, जुल्मतों से दूर है। कल्ब मोमिन मुस्तफ़ा के नूर से मामूर है। कल्ब मोमिन मुस्तफ़ा के नूर से मामूर है। है फवल्ली वजह का फरमान हक से ये आया। है फवल्ली वजह का फरमान हक से ये आया। होगा क़िबला बस वही जो आपको मंजूर है। होगा क़िबला बस वही जो आपको मंजूर है। ऐ नकीरो नाम लेवा हूँ मैं गौसे पाक का। ऐ नकीरो नाम लेवा हूँ मैं गौसे पाक का। जिनका फरमाने मुरीदी ला तखफ मशहूर है। आइए बारगाह रिसालत माफ व आले रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आवाज़ बुलंद दरूद पाक नजराना पेश करें। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله। حسب الحكم حضور سيدي مرشدي ومولاي حضور اختر الحين سرکار سجاد نشین صاحب قبلہ کے چند ساعت چند لمحوں کے لیے حصول برکت کی غرض سے حاضر ہوں۔ چند ایک باتیں آپ حضرات کی گوشہ گزار کرنی ہیں، اس کے بعد رخصت ہو جاؤں گا۔ حاضرین کرام، ये बुज़ुर्गों का नाम लेना, इनकी याद मनाना, इनके तज़किरे करना, अपने आप को इनका नाम लेवा कहलाना, ये अहले सुन्नत व जमात का एक मुस्तहकम अकीदा और हरगिज़ ये अकीदा और ये नज़रिया और ये महाफिल और मजालिस रायगा जाने वाले नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी पूछने वाले साहबी ने पूछा, मता वजबति सा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब कायम होगी। आका अलैहिस्सलाम ने जवाब देने से पहले पूछा, ऐ क़यामत के बारे में पूछने वाले ये बता, तूने क़यामत की तैयारी क्या कर रखी है। क़यामत के बारे में पूछते हो, ये तो बताओ कि तुम्हारी तैयारी क्या है। मुस्तफ़ा के तरबियत याफ्ता थे साहबी, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, नमाज़ों और रोज़ों पर तो भरम नहीं है, आमाल तो इतने काबिल नहीं कि उसकी तैयारी की बात करूं, हाँ इतना ज़रूर है कि मैं आपसे मोहब्बत करता। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी, इरशाद फरमाया, अलमरु मा मन अहबबता, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, तूने मुझसे मोहब्बत की, अब खुशखबरी सुन। वो खुशखबरी ये है कि दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करता है क़यामत में उसी के साथ उठाया जाता है। कोई कहे कि ये तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ खास हुआ, यह औलिया इकराम के मुतालिक कहाँ लिखा है। एक और हदीस पाक में सियाह सिता ही की अर्ज कर रहा, किसी पूछने वाले ने पूछ लिया, या रसूलुल्लाह कोई शख्स किसी कौम से मोहब्बत करता, एक जमात से मोहब्बत करता,
मगर उसके आमाल इतने काबिल नहीं है कि वो जमात के साथ हो जाए। जब दुनिया से रुखसत होगा तो उसका क्या अंजाम होगा? आका अलैहिस्सलाम उस मौके पर भी इरशाद फरमाया कि दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करता है वो आखिरत में उसी के साथ उठाया जाता है। हाज़रीन किराम, यह है महाफिल में हाजिर होने और इन महाफिल से इक्तिसाब करने की फवाइद हैं। और जहाँ तक बात इन महफिलों से हासिल क्या होता है, इस मुतालिक ये अर्ज़ करता चलूँ कि बुज़ुर्गों की संगत में बैठने से, बुज़ुर्गों की सोहबत और कुर्बत में बैठने से, बुज़ुर्गों की आस्थान पर हाजिर होने से अल्लाह तबारक व तआला के नबी पाक अलैहिस्सलाम की मारिफत हासिल हुआ करती है। आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, बात को तमाम करूँगा, जज्बात के बाव में नहीं कह रहा हूँ, कुरान पाक की रोशनी में अर्ज़ कर रहा हूँ। सूरह यूसुफ से कौन वाकिफ नहीं और हुस्ने यूसुफ से को कौन नहीं जानता? ज़ुलेखा फिदा हुई सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पर, दिल दे बैठी सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को, हर वक्त आपको तका करती, बाजार में दरबार की औरतों ने ताना दिया ज़ुलेखा को कि ज़ुलेखा खुद मलिका होकर एक ग़ुलाम को चाहती हो, खुद मलिका होकर एक ग़ुलाम से इश्क कर रही हो, खुद मलिका होकर एक ग़ुलाम को दिल दे बैठी हो, ये तुम्हारे शाया निशान नहीं। ज़ुलेखा ने कहा कि ऐ औरतों, तुमने असल में मेरे यूसुफ को देखा नहीं, अगर यूसुफ को देख लेती तो ऐसी बात अपनी ज़ुबान पर ना लाती। मिस्र की औरतों ने, दरबारी औरतों ने कहा कि ऐ ज़ुलेखा, आखिर यूसुफ़ के हुस्न में ऐसा कौन सा कमाल है जिस पर तू फिदा हो गई है, तू आशिक हो गई है, ऐसी कौन सी बात है, हम भी तो देखना चाहते हैं कि यूसुफ़ के हुस्न में कमाल किस बात का है। एक मजलिस मुनाकिद हुई, औरतों को ज़ुलेखा ने अपने दरबार में, अपने महल में बिठा लिया और कहा कि देखो, जब यूसुफ सामने से गुजरेंगे तो तुम्हें एक काम करना है। मिस्र की औरतें ने पूछा वो काम क्या होगा? ज़ुलेखा ने कहा कि हाथ में छुरी होगी और एक फल होगा, यूसुफ सामने से गुजरेंगे तो फल को काटना होगा। मिस्र की औरतों ने कहा कि कौन सी बड़ी बात है, काटने का काम तो बखूबी जानती हैं, यूसुफ को सामने आने दो, हम फल काट कर बता देंगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब सामने से गुजारा गया तो मिस्र की औरतें यूसुफ के हुस्न में ऐसा खो गई कि बजाय सेब और फल काटने के अपनी उंगलियों को काट लिया। हाज़रीन किराम, एक सवाल ही पैदा होता है कि मिस्र की औरतों ने उंगलियां कितनी बार काटी? पूरी तारीख के हवाले से अर्ज कर रहा हूं कि जिंदगी पूरी भर में, पूरी तारीख में बस मिस्र की औरतों ने एक बार उंगली काटी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कितनी बार देखा? कई बार यूसुफ अलैहिस्सलाम के जलवों को देखा, बाजार मिस्र में देखा, अजीज मिस्र के दरबार में देखा, ज़ुलेखा के साथ देखा, मिस्र की गलियों कूचों में फिरता देखा, कैद खाने में कैदी बनता हुआ देखा और सल्तनत करता हुआ यूसुफ अलैहिस्सलाम को जलवों को देखा, मगर मिस्र की औरतों ने हर बार उंगली नहीं काटी, बस एक बार ही काटी। जब जब देखा यूसुफ को उंगली नहीं काटी, एक बार ही उंगली को काटा। अगर कमाल यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखने में होता तो जब जब यूसुफ को देखती उंगलियों को काटना था, बाजार में देखती तो उंगलियों को काटना था, दरबार में देखती तो उंगली को काटना था, सल्तनत करता हुआ देखती तो उंगली को काटना था, मगर मिस्र की औरतों ने हर बार उंगली नहीं काटी बल्कि सिर्फ एक बार ही अपनी उंगली को काटा। बुजुर्गों ने तालीम दी, इरशाद फरमाया कि गौर करो, आखिर क्या बात है कि एक ही बार मिस्र की औरतों ने उंगली को काटा है? जवाब दिया कि दरअसल बात यह है कि मिस्र की औरतें जब ज़ुलेखा के साथ बैठी, जब ज़ुलेखा के दरबार में बैठी, ज़ुलेखा के महल में बैठी, तभी उन्होंने अपनी उंगली को काटा। अब यहाँ ज़ुलेखा की एक पहचान लफ्ज बदल कर कहूँ तो बात समझ में आएगी। ज़ुलेखा अजीज मिस्र की बीवी ज़रूर थी, ज़ुलेखा मलिका वक्त ज़रूर थी, मगर ज़ुलेखा की एक और शान थी, वो शान ये कि वो आरिफ यूसुफ थी, यूसुफ की मारिफत रखने वाली थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वक्त के नबी हैं, अपने वक्त के नबी की पहचान, अपने वक्त के नबी का इरफान रखने वाली थी। और फिर जब इरफान रखने वाली ज़ुलेखा के पास मिस्र की औरतें आईं तो फिर जो यूसुफ अलैहिस्सलाम से आशना थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम से वाकफी रखने वाली थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम का इरफान रखने वाली थी, उनकी कुर्बत में आई तो तब उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम के कमाल का अंदाज़ा हुआ। बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया कि औलिया किराम के दरबारों में जाने का यही फ़ायदा होता है, नबी का कमाल हर किसी को समझ में नहीं आता,
कोई किताब पढ़कर नबी का कमाल नहीं समझ सकता। हदीस की कोई किताब रट ले या फिर हदीस को असबर कर ले तो नबी के कमाल को नहीं पहचान सकता। अगर नबी के कमाल को पहचानना चाहते हो तो जैसा मिस्र की औरतों ने पहचाना वैसे पहचानो। मिस्र की औरतों ने जुलेखा की संगत में यूसुफ को पहचाना है, और मुस्तफा को पहचानने वालों, मुस्तफा को पहचानना चाहते हो तो मुस्तफा के दौर के औलिया की संगत में आओ तो मुस्तफा की पहचान मिलेगी। कुरान ने रास्ता बता दिया, नबी को इंसानी जहन से नबी के कमाल को नहीं समझा जा सकता। नबी के कमाल को समझना हो तो औलिया के दामनों से जुड़ना ज़रूरी होगा, औलिया के दरबारों से वाबस्ता होना ज़रूरी होगा। जब इनके दरबारों से वाबस्ता होंगे तो ये तो एक नबी का कमाल समझ में आएगा। हाज़रीन कराम और बुज़ुर्गों के आस्थाने पर आने से ना सिर्फ कमाल समझ में आता है बल्कि कमाल वाले मुस्तफ़ा मिल भी जाते हैं। इन दरबारों पर हाजिर होने से, इनके दामनों को थामने से ना सिर्फ समझ में आते हैं बल्कि मिल भी जाते हैं। सईदी मुर्शिदी ही ने अपने एक वाज में इरशाद फरमाया था, उसी वाक़े को रखता हुआ बात को तमाम करूँगा कि रसूल पाक के इस्लाम का बचपने का मौका, आका अलैहिस्सलाम बकरियाँ चराने के लिए अपने रज़ाई भाई हजरत अब्दुल्ला के साथ जंगल जाया करते थे, बचपन में बकरियाँ चराया करते थे। एक मरतबा हुआ यूं कि शायद कुछ नासाज हुई, दाई अलीमा ने रोक दिया कि आए बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तबीयत नासाज है, आप घर पर आराम करें, आज अकेले अब्दुल्ला ही बकरियां चरा लेकर चले। रोजाना ऐसा नहीं होता था, हम बकरियां जंगल में छोड़कर हम दोनों भाई खेलते थे मगर कोई जानवर बकरी पर हमला नहीं करता था, और आज जैसे ही मैं जंगल में गया शेरों ने हमला किया और एक बकरी को दबोच लिया। दाई हलीमा ने जैसे ही सुना तरफ दौड़ने लगी, मुस्तफा ने भी सुन लिया, दाई हलीमा के पीछे पीछे सरकार भी जंगल पहुंच गए। जाकर जंगल में झाड़ों और पहाड़ों के पीछे मुस्तफा ने बकरी को तलाश नहीं किया बल्कि मुस्तफा की शान देखिए, आका अली सलाम एक पहाड़ पर खड़े हो गए, एक टेले पर खड़े हो गए और वहां खड़े होकर ऐलान किया कि कौन है जिसने गुस्ताखी की है, किसकी जुर्रत हुई कि जिसने मेरी बकरी को पकड़ा है। इतना ऐलान नहीं होता था, हैरत की निगाहों से एक शेर सामने बड़ा जो ऐसा देखा, दाई अलीमा ने देखा, खुद मुस्तफा ने देखा कि बकरी को खत्म होना तो दूर की बात है, बकरी पर कोई खिराश तक नहीं आ, बकरी पर कोई हमला नहीं हुआ। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया कि तुमने ऐसा किया क्यों। शेरों की जमात का वो इमाम, वो आगे बढ़ने वाले शेर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, रोजाना बकरियां चराने के लिए जंगल में आया करते थे और हम पहाड़ों के पीछे से, झाड़ों के पीछे से छुप छुप कर आपके हुस्न जमाल को देखा करते थे, आज नहीं आए तो दिल बेचैन और बेकरार हो गए, और ये तरकीब निकाली कि बकरी को पकड़ लेंगे तो आप ढूंढते आएंगे और अब आप जंगल आएंगे तो आपके चेहरे को देखकर सुकून और करार हासिल करेंगे। हाजरीन कराम, शेरों ने एक पैगाम दिया, वो पैगाम ये कि लोगों जो मुस्तफ़ा वाला होता है उसे पकड़ो तो मुस्तफ़ा मिलते हैं। शेरों ने एक पैगाम दिया, वो पैगाम ये कि जो मुस्तफ़ा वाला होता है उसको अगर तुम थाम लोगे तो मुस्तफ़ा तुम्हारे हो जाएंगे। मुस्तफ़ा वाले को थामना मुस्तफ़ा को पाना है। शेरों ने पैगाम दिया कि है उस बकरी को पकड़ा तो मुस्तफ़ा हमको मिल गए, और तुम अशरफुल मखलूकात हो तो तुम में जो मुस्तफ़ा वाले हमको मिल जाए वाले हैं। हमने 11वीं करकर गौसे पाक को पकड़ा और ये यकीन है कि मुस्तफा को हमने पाया है। 6ठी शरीफ करकर हमने गरीब नवाज को पकड़ा है और ये यकीन रखते हैं कि हमने मुस्तफा को पाया है। 6वीं सफर को हुजूर महबूब महबूबानी अख्तर अफलाक इरफानी सैयद शाह अफजल बियाबान रहमा का उससे पाक में शरीक होते हैं और उनके दामन को थामते हैं, ये यकीन रखते हैं कि अरे हमने महबूब महबूब सुबहानी को थामा तो मुस्तफा जाने रहमत को हमने पा लिया है।
अब हुजूर सरवर पाशा साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह को पाना हो, माले क़िबला सरकार को पाना हो, या हुजूर सैयदी मुर्शिदी व मौलाई हजरत सैयद शाह गुलामे सरवर दियावानी रहमतुल्लाह अलैह फारूक पाशा साहब क़िबला के दामन से अगर कोई जुड़ा हो तो ये यकीन यहाँ से लेकर जाए, अरे फारूक पाशा को सिर्फ फारूक पाशा ही को नहीं पाया, अरे उनकी दामन में बसकर हमने मुस्तफ़ा को पाया है। सैयदी सज्जादा नशीर साहब क़िबला के दामन में आज क़यामत तक जितने आबाद होने वालों हो इतनी ये खुशखबरी लेकर जाओ कि हम सिर्फ इनके दामन ही में आबाद नहीं होते, इनके दामन से जुड़कर हम मुस्तफ़ा को पाकर जाते हैं। मुस्तफ़ा को पाने के लिए हम आते हैं। कोई पूछे कि हर महीना कादी पेट शरीफ के लिए सफर क्यों होता है, क्यों गाड़ियां निकाली जाती हैं, क्यों दूर दराज से सफर होता है। आज हुजूर सैयदी मुर्शिदी ही के फैदान ही से अर्ज करता चलूं, आखिरी बात है वो ये कि एक सवाल कर ले तो डंके की चोट पर कहना लोगों तुम मुस्तफा को किताबों में ढूंढने में लगे हो, अरे हम दामन में बस कर पाने के लिए जाया करते हैं। हाज़रीन करामी चंद कलमात अपनी बात को रुकता हुआ दुआ कहूँ कि सैयदी मुर्शिदी व मौलाई के फैदान से हम सबको मालामाल फरमाए, सिलसिले आलिया बियाबानिया के तमाम अवलिया कामलीन के फैदान से हम सबको मालामाल फरमाए, बिलखसूस हुज़ूर महबूब महबूब सुबहानी अख्तर अख़लाक़ इरफ़ानी बम्बई फ़ैयूज़ रहमानी हज़रत सैयद शाह अफ़ज़ल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह के फैदान से हम सबको मालामाल फरमा, और वो फैज़ान जो यहाँ फैज़ान गौसिया के नाम से जारी होता है, जो दरिया फैदान गौसिया के नाम से यहाँ पर बहता है, मौला इन बुजुर्गों के तसद्दुक में उस दरिया से चंद कदरे ही सही हम गुनाहगारों पर नाज़िल फरमा। बिहुरमत सैयदिल अंबिया वल मुरसलीन बिरहमतिका या रब्बल आलमीन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।